देखो मैं भले लेट वीडियो बनाता हूँ, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं पिक्चर को पहले देखता नहीं। पिक्चर को मैंने पहले देख लिया भाई, मेरा थोड़े काम निकल के आते हैं जिसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साल 2021 में तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म 30 रोजुल्लो प्रीमियम छीदम इलाके बारे में। दोस्तों ये जो नाम है भाई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इस नाम की जो असली मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू फॉल इन लव विद इन 30 डेज, मतलब समझ गया ना। हाँ यही है इस पिक्चर की मतलब। इस पिक्चर की हिंदी डब वर्जन को रिसेंटली अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल किया गया है, तो उसके बाद मैंने इस पिक्चर की हिंदी डब वर्जन को देख लिया है। तो देखने के बाद ये पिक्चर मुझे कैसे लगे, क्या पिक्चर आपको देखना चाहिए या फिर ना चाहिए, यही सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है भाई, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी करो। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बातचीत ना करते हमारे आज की इस वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। 30 रोजुल्लो प्रीमियम छीदम इला जो की साल 2021 में तेलुगु लैंग्वेज की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड रोल आपको नजर आएंगे प्रदीप मचीराजू, अमृत ऐड के अलावा और भी काफी सारे लगा। जहाँ पर दोस्तों बात करें ये लगभग 2 घंटे 20 मिनट लंबे पिक्चर को देखने के बाद ये पिक्चर मुझे पर्सनली कैसा लगा है, तो अगर ऑनेस्टली बात करूँ भाई ये पिक्चर मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया कमाल की इम्प्रेसिव वेल मेड पिक्चर लगी है। अब देखो मैं इतनी तारीफ क्यों करूँ, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शॉर्ट में बता दूं तो कहानी क्या है पिक्चर की, स्पॉइलर तो नहीं दूंगा। पिक्चर की कहानी अर्जुन एंड अक्षर की को फॉलो करती है, जो कि 30 दिन के अंदर कैसे एक दूसरे से प्यार करती है, यही सब कुछ इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है। तो यार जो कि इस पिक्चर की जो कहानी है उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया, लेकिन भाई कहानी उतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर आपको फैंटेसी भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि पुनर्जन्म की जो कहानी है उसको भी इस पिक्चर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये पुनर्जन्म की कहानी क्या है भाई, देखो अर्जुन एंड अक्षर की जो कैरेक्टर है वो पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करती थी, लेकिन उनकी उस टाइम पे प्यार सफल नहीं होता है, जिसकी वजह से इस जन्म में आने के बाद वो लोग कैसे एक दूसरे से प्यार करती है, यही सब कुछ इस पिक्चर के असली कंसेप्ट है। लेकिन भाई इस पिक्चर के कंसेप्ट के अंदर आपको जो सारा एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे वो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जैसे कि बात करूँ इस पिक्चर की कॉमेडी की, तो भाई इस पिक्चर के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने के लिए मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा फनी है। लेकिन इस पिक्चर के अंदर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो इस पिक्चर की इमोशन भाई। इस पिक्चर के अंदर आपको जो इमोशनल बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेंगे वो सही में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। आपको ऐसा बहुत सारे सीन आएगा जिसमें आपको रोना भी आ सकते हैं, मुझे भी आया था, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। और इन सारे इमोशनल सीन को आपको पिक्चर के सेकंड हाफ पे दिखाया गया है, जिसके वजह से पिक्चर की जो सेकंड हाफ निकल आती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कम्पेयर टू पिक्चर की फर्स्ट हाफ। क्योंकि भाई पिक्चर की फर्स्ट हाफ में आपको कॉमेडी देखने के लिए मिलेंगे, उसके साथ साथ जो पुनर्जन्म की स्टोरी है उसको भी दिखाया गया है। लेकिन वही बार बात करें पिक्चर के सेकंड हाफ की, तो उस टाइम पे जाने के बाद पिक्चर के अंदर की सबसे बढ़िया जो चीज निकल आती है वो आती है इमोशन। और हाँ भाई 2 घंटे 20 मिनट लंबे पिक्चर को देखते टाइम मुझे बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इंजॉय कर रहा था और जो एंगेजिंग बनना चाहिए था, यानी कि पिक्चर के साथ आपको जो बॉन्डिंग होना चाहिए था वो बिल्कुल होती इस पिक्चर को देखते रहे। पर ऐसा कुछ बंदे भी है जिनको ये पिक्चर पसंद ना भी आ सकती है, जिसकी वजह से मैं ये बोल नहीं सकते भाई पिक्चर 100 बंदे में से 100 बंदे को पसंद आएगा भाई, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो ही सकती है भाई, ये पिक्चर आपको पसंद ना भी आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मुझे पसंद है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ भाई, हाँ ये पिक्चर मुझे पसंद है। और हाँ अगर आप इस पिक्चर को लॉजिक लगा के देखोगे तो शायद ये पिक्चर आपको इंप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर आपको लॉजिक की थोड़ी बहुत कमी फील होगा, क्योंकि भाई फैंटेसी की फिल्म है, इसका मतलब तो भाई लॉजिक की कमी तो होगा ही। और हाँ भाई इस पिक्चर के अंदर आपको जो लव स्टोरी देखने के लिए मिलेंगे उसको काफी बड़ी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से आपको लव वाली फीलिंग भी आती है भाई, कोई टेंशन नहीं, अपन सिंगल है कोई बात नहीं, लेकिन लव स्टोरी देख के अपन पेट भर लेगा। तो और ज्यादा कुछ बोलेंगे क्योंकि आप सभी को तो पता चली क्या होगा भाई मैं कहने का चाहता हूँ, यानी कि पिक्चर बहुत ही कमाल के, जिसको आपको बिल्कुल बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर ओवरऑल देखे 30 रोजुल्लो प्रीमियम छीदम इला जो कि ऐसे पिक्चर है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ऐसी क्वालिटी का पिक्चर देखना चाहते हो जिसमें रोमांस हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, उसके साथ साथ इमोशनल बॉन्डिंग हो और उसके साथ साथ फैंटेसी भी हो थोड़ी बहुत, तो ये पिक्चर आप जरूर देख सकते हो। ये पिक्चर ऑफिशियली अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी वर्जन में, आप जो पिक्चर को देख सकते हो। मैंने देखा, मुझे बहुत ही कमाल के लगा। तो अगर मैं पिक्चर को देख लिया, पिक्चर आपको कैसे लगा हमें कमेंट कर बता सकते हो, और अगर देखना चाहते हो तो मैंने जो रिकमेंड कहा वही करना, वीडियो काफी लंबा हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, बाय बाय टाटा एंड गुड नाइट, देख लो।